डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, टेंथ क्लास के साइंस में एक बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाँचवें नंबर तक के क्वेश्चन को किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लिखा जाए, नोट डाउन किया जाए। लिखता है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ये छठा क्वेश्चन है। चलिए इसके उत्तर को हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं। पहले उत्तर लिख लिया जाए, फिर हम उन चीज़ों को समझेंगे। लिखेंगे, जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर कौमा इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप यानी सॉरी पूर्ण विराम। पादप में ऑक्सीन हार्मोन हम लोग सीखे हुए हैं हार्मोन्स के बारे में। पादप में ऑक्सीन हार्मोन स्रावित होता है, पूर्ण विराम, यह सूर्य के प्रकाश के तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। चलिए सबसे पहले सवाल आप ये समझिए कि प्रकाशानुवर्तन कहते किसको हैं। तो प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं भाई? तो प्रकाशानुवर्तन उसे कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में, पता होना चाहिए कि ये पेड़ होते हैं तो पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं जबकि उनकी बोल सकते हैं प्रकाश ऊपर होता है सनलाइट, तो सनलाइट के विपरीत दिशा में उनकी जड़ें मुड़ती है और उनकी शाखा जो है प्रकाश की ओर मुड़ती है। पेड़ पौधे का एक भाग ऊपर की ओर जाता है, एक भाग विपरीत दिशा में मिट्टी में जाता है जिसको जड़ कहते हैं। तो ये दोनों विपरीत दिशा में मुड़ती है, यह प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब प्रकाशानुवर्तन को समझने के लिए आपको हार्मोन्स के बारे में जानने चाहिए कि पेड़ पौधों में एक हार्मोन्स होते हैं जिसको ऑक्सीन हार्मोन कहते हैं। ये ऑक्सीन हार्मोन पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए लागू होता है। अगर सवाल आते हैं कि ऑक्सीन हार्मोन का क्या काम है, तो यह पेड़ पौधों में वृद्धि का कार्य करती है। दूसरी बात, कभी आप पेड़ पौधों को अंधेरे में रखेंगे, छोटे पौधों को अंधेरे में रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक उसकी जो तने हैं शाखा हैं अंधेरमय भाग से अंधेरे से प्रकाश की ओर अग्रसर होंगी। यानी कि इसका साफ पता चल रहा है कि यह प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रकाश की ओर झुक कर वो अपने शाखा को तने को लंबे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये था हम लोगों को प्रकाशानुवर्तन से। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या? प्रकाश की ओर पौधे की को वृद्धि करना, वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। एक होता है जलानुवर्तन, हम लोग जलानुवर्तन के बारे में भी पढ़े हैं, एक प्रयोग भी किए हुए थे कि एक आपको
प्लास्टिक का एक बॉक्स लेना होता है, उसमें मिट्टी भर देना होता है, एक तरफ पेड़ लगाना होता है, एक तरफ कीप रखना होता है, और जिधर पानी देते थे उसकी जड़ उधर ही मुड़ जाती थी। तो जल की ओर जड़ों को अग्रसर होना, जड़ की वृद्धि करना, वो जलानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर पौधे की तनों का वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। तो इन चीजों को आप अच्छे से डीपली समझिए, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए। मेरु रज्जु आघात में, मेरु रज्जु आघात में, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों को आने में, किन संकेतों को आने में व्यवधान होगा। व्यवधान, व्यवधान होगा का मतलब हो गया कि दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर में मेरु रज्जु जो है आघात, आघात का मतलब मेरु रज्जु खराब हो जाए, तो कौन सा संकेत को आने में प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी, व्यवधान उत्पन्न होगी, ये क्वेश्चन था। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। पहले लिखा जाए इसके आंसर, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, पूर्ण विराम, इसके अलावा सभी सूचनाएं, इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होंगी, ठीक प्रकार से संचारित नहीं होंगे। याद रखिए, हमारा मेरु रज्जु ही है जो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हुआ कि हम लोग टहलते हैं, अनैच्छिक क्रिया जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरु रज्जु जब आघात होगा, यानी कि मेरु रज्जु में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा कि व्यवधान का मतलब कठिनाई होने लगेगी। तो कौन सी चीज कठिनाई होगा अगर मेरु रज्जु आघात हो जाएगा तो सबसे पहले प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अगर कोई सवाल पूछता है या एग्जाम में आता है कि मेरु रज्जु जब आघात होती है तो कौन सी व्यवधान उत्पन्न होगी, क्या व्यवधान उत्पन्न होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगा, तो सबसे पहले आंसर कीजिएगा कि मेरु रज्जु जब आघात होगी तो प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, इसके फलस्वरूप सभी सूचनाओं को ठीक प्रकार से संचारित नहीं हो पाएगी, यानी कि जितना भी सूचनाएं प्राप्त होती है वो सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हुआ कि प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न नहीं होगी और सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं हो पाएंगी, एक जगह से दूसरे जगह सूचनाएं नहीं जा पाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे पहले क्वेश्चंस का बात करते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जिस वे में बोलता है हम लोग समझ कर उसी वे में आंसर करते हैं। लिखा जाए 8 नंबर, पादप में रासायनिक समन्वय, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। जी हाँ दोस्त, जैसा कि सवाल बोल रहा है कि पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। रासायनिक समन्वय का मतलब वही क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग देखे हुए हैं कि पादप में भी कैसे होता है और जंतु में भी कैसे होता है, यानी कि जीव जंतु रहे चाहे पादप रहे, उसमें रासायनिक समन्वय का मतलब ही हुआ कि हार्मोन्स। ये रासायनिक समन्वय किसके वजह से होती है, तो याद रखिए रासायनिक समन्वय हार्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। जब तक किसी पादप में, किसी जीव जंतु में हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे, तब तक उसमें रासायनिक समन्वय की क्रिया नहीं होंगी। तो यहाँ पे भी सवाल है कि पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होती है, आप उसको
डिफाइन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे यही बात को लिखेंगे, क्योंकि पादपों में हार्मोन स्रावित होती है और वह हार्मोन उसके वृद्धि विकास ये सब सारे को समन्वय को नियंत्रित करती है। अतः हार्मोन ही है जो रासायनिक समन्वय क्रिया को रासायनिक समन्वय को स्थापित करती है। यानी कि कोई कहीं भी अगर रासायनिक समन्वय आता है, चाहे पादप के लिए चाहे जीव जंतु के लिए, तो वह हो जाएगा हार्मोन, क्योंकि हार्मोन ही वृद्धि विकास संतुलन को नियंत्रित करती है। तो चलिए इसके उत्तर को भी हम लोग लिखते हैं। 8 का आंसर लिखा जाए, पादप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती है, पादप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती है, पूर्ण विराम, ये हार्मोन वृद्धि कौमा विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करते हैं। अतः ये ही का मतलब ये ही, यानी कि जो वृद्धि करने वाला हार्मोन है, जो विकास करने वाला हार्मोन, ये ही हार्मोन रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। यही हार्मोन रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये आंसर हम लोगों को कंप्लीट हो गया, यानी कि सिर्फ हार्मोन्स का यहाँ पे चर्चा कर देना था कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो वह है क्या, तो हार्मोन्स, जिसके वजह से उनमें वृद्धि विकास ये सब सारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। यानी कि कोई भी जीव रहे, चाहे वो पेड़ पौधे रहे, चाहे जंतु रहे, चाहे मानव रहे, चाहे जानवर रहे, उनमें नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्र का होना क्यों जरूरी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि उसमें क्यों जरूरी है नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्र की आवश्यकता। तो कुल मिलाकर यही तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, यही तंत्रिका तंत्र तो मेन कार्य करता है जो किसी भी चीजों को हम महसूस कर पाते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर चलिए पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चंस बोल रहा था। तो क्वेश्चन तो समझ ही गए कि किसी भी जीव को नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्र की क्या आवश्यकता है, तंत्र का क्या मतलब है इनके बोल सकते हैं कि हार्मोन वृद्धि विकास के लिए इनमें क्यों जरूरी है किसी तंत्र की। लिखा जाए 9th का आंसर, यदि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र न हो तो, यदि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो, नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिका जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगे, कोशिका जीव के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगे, अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। पूर्णविराम, बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए
सामान्य क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। सामान्य क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। चलिए अब सवाल ये था कि किसी जीव में नियंत्रण और समन्वय का तंत्र अगर नहीं होगा, तंत्र का क्यों आवश्यक है? तो इसलिए कि अगर हमारे शरीर में तंत्र नहीं होगा तो हम अपनी जो इच्छा है अपनी इच्छा के अनुसार चल नहीं सकते हैं, पैर काम करना बंद कर देगा, कोई हमें चुट्टी काटेगा, कोई भी दिक्कतें आएंगी शरीर में तो हमें पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि इच्छा अनुसार कार्य हम नहीं कर पाएंगे, अतः इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में यानी कि जिस जीव में बहुत सारी कोशिकाएँ होती है उनमें सामान्य क्रिया के लिए यह बहुत ही प्रभावशाली है। तो कुल मिलाकर सवाल था कि नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो तंत्र का यही आवश्यक है कि अगर तंत्र नहीं हो तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए तंत्र की बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्त आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक के किए, कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। टोटल 12 क्वेश्चन है तो 10, 11, 12 यानी कि 3-4 क्वेश्चंस और बच जाएंगे, तो कल हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।